नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सोमवंशी, छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश और काकतीय वंश से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। देखा था कि इन टॉपिक से किस प्रकार के सवाल CGPSC में पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मराठा शासन एवं 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को हल यहाँ पर करने वाले हैं। बिंबाजी भोसले 1757 ईस्वी में मध्य छत्तीसगढ़ में आकर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और तभी से छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास प्रारंभ माना जाता है और इसीलिए मराठा शासन को छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 1741 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। और अगर हम 1857 में हुए विद्रोह की चर्चा करें तो ये मेनली भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी 1857 में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। देखेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल CGPSC में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बिंबाजी भोसले के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए व्यंकोजी, बी चिमणाजी, सी अप्पा साहेब और डी परसोजी। ये सभी के सभी नागपुर के भोसले हैं। अब आप गैस कीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसे समझने से पहले, चूंकि हम मराठा शासन पढ़ रहे हैं, तो पहले ये जान लेते हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की शुरुआत हुई। हम एक जनरलाइज डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि उस समय स्थिति क्या थी। तो 1741 ईस्वी में रतनपुर के क्षेत्र में कलचूरी शासक रघुनाथ सिंह का शासन था। इनके शासनकाल में इस समय नागपुर में रघुजी प्रथम शासन कर रहे थे। रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत 1741 ईस्वी में बंगाल उड़ीसा अभियान में जा रहे थे, वो भी छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर, और रास्ते में ही उन्होंने रतनपुर पर चढ़ाई कर दी। और इस समय रघुनाथ सिंह ने युद्ध नहीं किया बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से कलचूरी वंश मराठों के अधीन हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1741 ईस्वी में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत बंगाल उड़ीसा अभियान में जा रहे थे और उन्होंने मार्ग में ही रतनपुर पर चढ़ाई कर दी और उस समय रघुनाथ सिंह ने युद्ध नहीं किया बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से कलचूरी वंश, या फिर मैं ये कहूँ कि दक्षिण कोसल का क्षेत्र मराठों के अधीन हो गया। लेकिन मराठों ने रघुनाथ सिंह को पद पर बने रहने दिया और यहाँ पर अपना एक प्रतिनिधि कुली नगीर को नियुक्त किया। भगवान सिंह के अनुसार इस प्रतिनिधि का नाम कुली नगीर था, लेकिन प्यारे लाल गुप्त के अनुसार इस प्रतिनिधि का नाम कल्याणगिरी गोसाई था, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रतिनिधि को रतनपुर के क्षेत्र में नियुक्त किया ताकि वो शासन की देखभाल कर सके, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि रघुनाथ सिंह ऐसे पहले शासक थे, ऐसे पहले कलचूरी शासक थे जिन्होंने मराठों के अधीन रहकर दक्षिण कौशल के क्षेत्र में राज्य किया और यहाँ पर इनके साथ मराठा प्रतिनिधि भी हैं। तो 1741 से लेकर 1745 ईस्वी तक रघुनाथ सिंह ने दक्षिण कौशल के क्षेत्र में मराठों के अधीन रहकर शासन किया और उसके बाद 1745 ईस्वी में, चूंकि रघुनाथ सिंह और
कल्याणगिरी गुसाई के बीच में हमेशा मतभेद चलता रहता था, इसलिए रघुनाथ सिंह को पद से हटा दिया गया और 1745 ईस्वी में मोहन सिंह को, जो कि रायपुर शाखा का एक व्यक्ति था, उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। मोहन सिंह 1745 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक शासन करता है और उसके बाद 1757 ईस्वी को बिंबाजी भोसले, जो कि रघुजी प्रथम के पुत्र थे, उन्होंने रतनपुर के क्षेत्र में आकर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन किया। बिंबाजी भोसले का शासनकाल 1757 ईस्वी से लेकर 1787 ईस्वी तक था। 1787 ईस्वी को बिंबाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बिंबाजी ने अपने शासनकाल में ही अपने भतीजे मुधोजी के बेटे चिमणा जी को रतनपुर का उत्तराधिकार घोषित इन्होंने कर दिया था। ठीक है, तो चिमणा जी 6 से लेकर 7 महीने तक इन्होंने छत्तीसगढ़ के राजकाज को संभाला था और फिर 6 से 7 महीने के बाद चिमणा जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ के शासक बनते हैं। ठीक, तो विभिन्न संस्थागत किताबों में, हिंदी ग्रंथ अकेडमी में, राम कुमार बिहार में, किसी भी किताब में चिमणा जी भोसले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इवन कंपटीशन कम्युनिटी के छत्तीसगढ़ सारगर्भित किताब में भी चिमणा जी भोसले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और यहाँ से संबंधित अभी तक CGPSC में भी सवाल नहीं पूछा गया है। अगर इस प्रकार से सवाल पूछा जाए कि बिंबाजी के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किसने किया, तो आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में चिमणा जी भोसले हैं, आपको अपने आंसर के रूप में चिमणा जी भोसले को लेना होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में चिमणा जी भोसले नहीं हैं, तब आप व्यंकोजी भोसले को बिंबाजी के उत्तराधिकारी के रूप में यहां पर आंसर में लेंगे। तो जब कभी भी इस प्रकार से सवाल पूछा जाए और अगर CGPSC में आ जाए, तो वहां पर आप ऑप्शंस को देखकर आंसर पे टिक कीजिए। ठीक है, अगर चिमणा जी भोसले ऑप्शन में है तो आपको चिमणा जी भोसले को उत्तर के तौर पर लेना है और अगर चिमणा जी भोसले ऑप्शन में नहीं है तो आपको व्यंकोजी भोसले को लेना है। किसी भी किताब में चिमणा जी भोसले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, बिंबाजी भोसले के बाद चिमणा जी भोसले भी छत्तीसगढ़ में शासन किए थे, 6 से 7 महीने तक शासन किए थे और उसके बाद व्यंकोजी भोसले यहाँ के शासक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिमणा जी भोसले। लेकिन अगर ऑप्शन में चिमणा जी भोसले नहीं होंगे तो आंसर होगा ए, व्यंकोजी भोसले। अभी हम आंसर क्या लेंगे? तो चिमणा जी भोसले। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को देख लेते हैं, क्योंकि हम पूरे लेक्चर में मराठा शासन के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस घटनाक्रम के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर उन्हें ये नहीं पता है तो उन्हें और कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी रिविज़न कर रहे हैं, इन सब के लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम एक बार छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1741 ईस्वी में रघुनाथ सिंह दक्षिण कौशल के शासक होते हैं, कलचूरी वंश के शासक रघुनाथ सिंह रतनपुर को राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। इसी समय रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने यहाँ पर आक्रमण किया था और छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन हो गया था। ठीक है, तो 1741 से लेकर 1745 ईस्वी तक रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन कर रहे थे। उसके बाद 45 से लेकर 57 ईस्वी तक मोहन सिंह का शासन था। 57 ईस्वी को मोहन सिंह की मृत्यु होने के बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन प्रारंभ होता है। प्रत्यक्ष मराठा शासन कैसे प्रारंभ होता है? रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबाजी भोसले रतनपुर में आकर यहाँ पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन करते हैं। इनके शासनकाल में इन्होंने राज्य विस्तार को महत्व नहीं दिया, बल्कि अनेक जन कल्याणी कार्य किए और यहाँ पर निर्माण कार्य किया और इसीलिए ये यहाँ की जनता में लोकप्रिय थे। ठीक, बिंबाजी भोसले का शासनकाल 1757 से लेकर 1787 ईस्वी तक था, जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष भोसला या फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन कहते हैं। भोसला और मराठा में क्या डिफरेंस है? तो मराठों की एक शाखा है भोसला। ठीक है, फिर प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिंबाजी भोसले ने अपने उत्तराधिकार के रूप में
चिमनाजी भोसले को घोषित कर दिया था। तो 6 से 7 माह तक यहाँ पर चिमनाजी भोसले शासन करते हैं छत्तीसगढ़ में, और फिर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है सूबा शासन। सूबा शासन 1787 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक चलता है छत्तीसगढ़ में। सूबा शासन का तात्पर्य क्या है? तो ये मराठों की उपनिवेशवादी व्यवस्था थी। यहाँ पर मराठा शासक छत्तीसगढ़ में आकर राज्य नहीं करने वाले थे, बल्कि वो नागपुर में रहकर ही छत्तीसगढ़ में नियंत्रण रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों की नियुक्ति की। अब ये सूबेदार क्या थे? तो ये जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कर वसूली करने की बात करता था, उसे सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। मतलब कि सूबेदारों की नियुक्ति का मेन आधार था अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो ये मराठों की उपनिवेशवादी व्यवस्था थी। इसके तहत जो मराठे थे वो नागपुर में रहते थे, और छत्तीसगढ़ को नियंत्रित करने के लिए, शासित करने के लिए उन्होंने सूबेदारों को नियुक्त किया था। और ये सूबेदार क्या करते थे? अधिक से अधिक कर एकत्रित करके सूबेदार को दिया करते थे। ठीक है, सूबा शासन के अंतर्गत पहले शासक हुए व्यमकोजी भोसले। इन्होंने ही सूबेदारी प्रथा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की थी। 1787 से लेकर 1816 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और 16 ईस्वी के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो अप्पा साहेब इन्होंने 2 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शासन किया। फिर यहाँ पर प्रारंभ हुआ ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। कैसे? 1818 ईस्वी में थर्ड आंग्लो मराठा युद्ध हुआ। ब्रिटिश और मराठों के बीच में सीताबर्डी में युद्ध हुआ, जिसका परिणाम मराठे अंग्रेजों से हार गए, और उसके बाद मराठे अंग्रेजों के अधीन हो गए। बस फिर क्या था, चूंकि ब्रिटिश के अधीन थे मराठे और मराठों के अधीन था ये छत्तीसगढ़, तो इस प्रकार से ब्रिटिश के अधीन इन मराठों का शासन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गया। 1818 से लेकर 1830 ईस्वी तक यहाँ पर ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन चला। यहाँ पर इस समय नागपुर में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी रायपुर के शासन को संचालित करने के लिए, और छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये वो समय है जब रघुजी तृतीय को मराठों की राजगद्दी पर बिठाया गया था, और चूंकि रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, इसीलिए मराठों के शासन को, मतलब कि नागपुर के शासन को ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया था, और यहाँ पर इस समय ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन प्रारंभ हो गया था। 1830 ईस्वी को रघुजी तृतीय वयस्क हो गया, और उसके बाद फिर से उन्हें गद्दी, नागपुर की गद्दी वापस दे दी गई, और पुनः मराठा शासन यहाँ पर प्रारंभ हो गया। 1830 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी तक पुनः मराठा शासन चला, और 1853 ईस्वी को रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत से नागपुर के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उसके बाद यहाँ पर प्रारंभ हुआ प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो इस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम चलती है। ठीक, अब यहाँ पर अलग अलग हमने यहाँ पर नागपुर के शासकों के नाम लिए, तो उनके भी वंशक्रम को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसे सिर्फ देखना है ना, इसे याद नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि नागपुर में भोसलों के शासक थे रघुजी प्रथम। इनका शासन काल 1739 ईस्वी से लेकर 1755 ईस्वी तक था। इसी समय 1741 ईस्वी में रतनपुर के क्षेत्र में भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। इनके 4 बेटे थे, यहाँ पर 3 बेटे का नाम दिया गया है, इनके 4 बेटे थे। ठीक है, पहले रघुजी प्रथम की मृत्यु के बाद नागपुर के शासक हुए जानूजी, 72 तक उन्होंने शासन किया, और उसके बाद शासक हुए मुधोजी, इन्होंने 1788 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। और इसी समय जिस समय नागपुर में शासक जानूजी और उसके बाद मुधोजी थी, उसी समय छत्तीसगढ़ के राज्य को कौन नियंत्रित कर रहा था? बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले ने प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ पर शासन किया था 1757 से लेकर 1787 ईस्वी तक। ये भी ध्यान में रखिएगा कि बिंबाजी भोसले के शासनकाल में ही बस्तर के क्षेत्र में कोटपाड़ की संधि होती है, और बस्तर का क्षेत्र भी मराठों के अधीन हो जाता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिंबाजी ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे चिमनाजी को
घोषित कर दिया था। चिमना जी मुधो जी के बेटे थे, मुधो जी के तीन बेटे थे, चिमना जी, रघुजी द्वितीय और व्यंकोजी भोसले। तो मुधो जी की मृत्यु के बाद 1788 ईस्वी में नागपुर के शासक होते हैं रघुजी द्वितीय और छत्तीसगढ़ के शासक होते हैं चिमना जी। लेकिन 6 से 7 माह के बाद चिमना जी की मृत्यु हो जाती है और शासक बनते हैं व्यंकोजी भोसले। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ के शासक हैं। ठीक, अब देखिए स्थिति कैसी है। 1816 में रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है और 16 में ही व्यंकोजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पर शासक होते हैं परसोजी, जो कि रघुजी द्वितीय के पुत्र होते हैं। चूंकि परसोजी शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, इसीलिए इनके संरक्षक के रूप में व्यंकोजी के पुत्र अप्पा साहेब को नियुक्त किया जाता है। लेकिन अप्पा साहेब को तो नागपुर की राजगद्दी चाहिए होती है और वो अत्यंत लोभी प्रवृत्ति के भी व्यक्ति होते हैं, तो उसी समय वो हेस्टिंग्स के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। ठीक है, और सहायक संधि के बाद एक डेढ़ साल के बाद ही थर्ड आंग्ला मराठा युद्ध हो जाता है और उसके बाद फिर मराठे अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद परसोजी की मृत्यु हो जाती है और नागपुर के शासक हो जाते हैं अप्पा साहेब। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश के अधीन मराठा आता है, ब्रिटिश अप्पा साहेब को राजगद्दी से हटा देते हैं और परसोजी के बेटे रघुजी तृतीय को नागपुर की राजगद्दी सौंप देते हैं। 1818 में ये राजा बनते हैं, लेकिन रघुजी तृतीय तब अल्पवयस्क होते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद 1830 ईस्वी में जब ये वयस्क होते हैं तो इन्हें राजगद्दी फिर से दे दी जाती है। 1853 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है, चूंकि इनका कोई पुत्र नहीं होता है और गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार मानने के लिए ब्रिटिश सरकार अमान्य घोषित कर देते हैं और इस प्रकार से व्यवगत संधान से डलहौजी के द्वारा नागपुर के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से नागपुर पे ये वंशक्रम चल रहा था और छत्तीसगढ़ के शासन के बारे में हमने चर्चा कर ही ली। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत सूबेदारों से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, हमें सही कथन चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, महीपत राव दिनकर पहला सूबेदार था। दूसरा स्टेटमेंट, सर्वाधिक लंबा शासनकाल केशव गोविंद का था। और तीसरा, सखाराम की रतनपुर में हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में सूबेदार कौन कौन थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यंकोजी भोसले ने 1787 ईस्वी को सूबेदारी व्यवस्था लेकर आई थी। यहाँ पर उन्होंने सूबेदारी व्यवस्था लागू की थी, चूंकि वो नागपुर में रहकर ही छत्तीसगढ़ पर नियंत्रण रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों को नियुक्त किया था। ठीक, छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार हुए महीपत राव दिनकर। इनका शासनकाल केवल 2 वर्षों का था और इनके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोहों का इन्हें सामना करना पड़ा। केवल इनके शासनकाल में पूरा पावर जो था वो बिंबा जी की विधवा आनंदी बाई के अंडर में था। लेकिन आनंदी बाई की मृत्यु 1788 ईस्वी में हो जाती है, इसी समय ही हो जाती है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। ठीक, तो पहले सूबेदार थे महीपत राव दिनकर, फिर सूबेदार हुए विट्ठल राव दिनकर। 1790 से लेकर 96 ईस्वी तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शासन किया। इन्होंने परगना पद्धति लाई थी। हमने देखा था कि कलचूरी शासन काल में प्रशासन में एक गढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, वहां की प्रशासनिक इकाइयों को गढ़ों में बांटा गया था, लेकिन विट्ठल राव दिनकर ने क्या किया, इन्हीं गढ़ों को सुव्यवस्थित करके परगना पद्धति लाई। अब गढ़ और नीचे बरहों की जो प्रशासनिक यूनिट थी, गढ़ और बरहो की जो प्रशासनिक यूनिट थी, इन्हीं दोनों यूनिट को मिला के परगना यूनिट बनाया गया था और दीवान और दाऊ के हटाकर कमावेंसदार को बिठाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति लाई थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी था कमावेंसदार। उसने कुल 27 परगनों को निर्माण किया था। ठीक है, 27 परगने बनाए थे। अगले सूबेदार थे भवानी कालू। इनका शासनकाल कुछ समय तक ही था। फिर शासक हुए केशव गोविंद। 1797 से लेकर 1808 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया
और इनका शासनकाल सबसे लंबा भी था। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है कि इनका शासनकाल क्या था, सबसे लंबा शासनकाल था। सबसे पहले सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर। फिर अगले सूबेदार हुए कोजी पिंडरी एवं दीरो कुल्लरकर। देखिए, जो ब्रिटिश अधीक्षक पी वॉन्स अगेन होते हैं, उन्होंने अपने दस्तावेज में 8 सूबेदारों के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन यहाँ पर हम 9 सूबेदारों के बारे में पढ़ेंगे। कहीं कहीं 9 सूबेदारों की जानकारी मिलती है, लेकिन मोस्टली अगर आप 8 सूबेदारों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये लाइन को आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक, अगले सूबेदार हुए भीकाजी गोपाल है, ठीक है इनका नाम। इन्हें भीका भाव भी कहा जाता था। इनका शासनकाल था 1809 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक। फिर हुए सखाराम बापू, इन्हें सरकार हरी भी कहा जाता है। और फिर हुए सीताराम टांटिया, और उसके बाद अंतिम सूबेदार थे यादवराव दिनकर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंतिम सूबेदार यादवराव दिनकर या यादवराव दिवाकर, ठीक है। अलग अलग एविडेंस में अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अंतिम सूबेदार कौन है? यादव राव दिवाकर। तो यहां तक हमने क्या क्या देखा कि पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर, सबसे लंबा कार्यकाल केशव गोविंद, अंतिम यादव राव दिवाकर। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो अंतिम 4 सूबेदार थे, 1816 ईस्वी मैंने आपको बताया कि था कि रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, ये भीकाजी गोपाल के शासनकाल में हुई थी। और अब यह क्षेत्र अप्पा साहेब के अंडर में आ जाता है, और अप्पा साहेब यहाँ के सूबेदार को ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूली करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और चूँकि भीका भाव ज़्यादा कर नहीं दे पाते हैं, तो उनको सबसे पहले पद से हटा दिया जाता है, और उसके बाद वन बाई वन करके लगातार सूबेदार जो है वो बदलते जाते हैं। 3 माह के लिए सखाराम, फिर उसके बाद 8 माह के लिए सीताराम टांटिया, और अंतिम में यादवराव दिवाकर। तो इस प्रकार से 1 by 1 करके यहाँ पर सूबेदार जल्द से जल्द बदलते जाते हैं। इससे यह हमें समझ में आ रहा है कि इनका पद ना तो स्थायी था और ना ही वंशानुगत था। जो सबसे ज्यादा कर वसूल करने की बात करता था, उसे यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक, इतना आपने ध्यान में रखा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो CGPSC प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि महिपत राव दिनकर के शासनकाल में किस यूरोपीय यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो महिपत राव दिनकर के शासनकाल में जॉर्ज फॉरेस्टर ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। वहीं पर विठल राव दिनकर के शासनकाल में ब्लंट और केशव गोविंद के शासनकाल में कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CGPSC में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। महिपत राव दिनकर, जॉर्ज फॉरेस्टर, विठल राव दिनकर, ब्लंट और केशव गोविंद का कोलब्रुक। इनके पहले पहले लेटर से भी आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, केशव का कोलब्रुक। विठल को अगर आप विठल बोले तो बी से ब्लंट, तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से CGPSC में सवाल पूछा जाता है। अब हम पिछले सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया था? महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार हैं, तो हाँ है। सर्वाधिक लंबा शासनकाल केशव गोविंद का था, तो हाँ था। सखाराम की रतनपुर में हत्या कर दी गई थी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। जब यहाँ पर सखाराम बापू सूबेदार बनते हैं, तो उस समय छत्तीसगढ़ का क्षेत्र अप्पा साहेब के अंडर में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्पा साहेब यहाँ के सूबेदारों को अधिक से अधिक धन कलेक्ट करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तो सखाराम बापू ने क्या किया, रतनपुर के एक निवासी को ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ा जागीर देने का आश्वासन दिया, और उसे बहुत सारे पैसे उसने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। और जब निवासी को वहाँ के पता चला कि ये तो मेरे साथ छल किया गया, तो वहाँ के निवासी ने सखाराम की गोली मार के हत्या कर दी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सत्य कथन को चुनना था ना, तो उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस सूबेदार ने सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार हेतु विवाद में हस्तक्षेप किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए भीकाजी गोपाल, बी केशव गोविंद, सी विठल राव दिनकर और डी भवानी कालू। तो इसका करेक्ट आंसर है ए भीकाजी गोपाल। जैसा कि हमने देखा कि भीकाजी गोपाल का शासनकाल 1809 ईस्वी से लेकर
16 ईस्वी तक का था और ये वही समय है 1816 ईस्वी जब नागपुर के भोसले शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के शासक व्यंको जी की मृत्यु हो गई, परसोजी नागपुर के शासक हुए और इनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई और फिर नागपुर के राजगद्दी पर बैठे अप्पा साहेब। तो ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल ही रहे थे जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल रहा था। इसके अतिरिक्त नागपुर के साथ सहायक संधि भी हुई। तो ये सारे घटना पीकाजी गोपाल के शासनकाल में हुए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सरगुजा रियासत और छोटा नागपुर के मध्य सीमा संबंधी विवाद भी चल रहा था। उच्चाधिकार को लेकर दोनों पक्षों के मध्य जो स्थानापन्न शासक थे उनके मध्य संघर्ष चल रहा था और इन शासकों को मराठे एवं अंग्रेजों का समर्थन भी प्राप्त था। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो सीमा संबंधी विवाद चल रहा था ना, ये भीकाजी गोपाल के शासनकाल में चल रहा था और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप भी किया था। ठीक, अब हम अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं और हमें असत्य कथन को चुनना है। पहला कथन, विल्किंसन के शासनकाल में महार सिया का मामला हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट, सैंडिश ने अपने शासनकाल में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। तीसरा स्टेटमेंट, क्राफर्ड अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। और चौथा स्टेटमेंट, कैप्टन एगेनियो ने ब्रिटिश अधीक्षक के मुख्यालय को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन जब 1818 ईस्वी में यहाँ प्रारंभ हुआ तो कौन कौन से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक हुए। तो छत्तीसगढ़ में पहले ब्रिटिश अधीक्षक हुए कैप्टन एडमंड। इनका शासनकाल कुछ माह का ही था और वो यहाँ पर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में लगे रहे। इसके बाद फिर अधीक्षक हुए पी वोंसगेन्यू। पी वोंसगेन्यू का शासनकाल सबसे लंबा था, 1818 से लेकर 1825 ईस्वी तक उन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया और अनेक प्रशासनिक सुधार कार्य किए। इसके बाद ब्रिटिश अधीक्षक हुए कैप्टन हंटर, उसके बाद फिर मिस्टर सैंडिश, उसके बाद मिस्टर विल्किंसन और अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे क्राफर्ड। तो कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षकों ने छत्तीसगढ़ में 12 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। तो पहले कौन से हैं? कैप्टन एडमंड, अंतिम मिस्टर क्राफर्ड, ये ध्यान में रहेगा। सबसे लंबा समय पी वोंसगेन्यू का। अब एक कथन था कि महारसिया का मामला विल्किंसन के शासनकाल में हुआ था, तो नहीं, महारसिया का मामला पी वोंसगेन्यू के शासनकाल में हुआ था। महारसिया नवागढ़ जमींदारी के शासक परिवार का एक व्यक्ति था। ठीक है, इसका ये किसी व्यक्ति का नाम है। क्या था, इसे उस समय 300 रुपए प्रति माह पेंशन भत्ता दिया जाता था, लेकिन जब इसने मराठों का विरोध किया तो इस पेंशन भत्ते को बंद कर दिया गया। फिर क्या था, जैसा कि महारसिया को पता था कि नवागढ़ जमींदारी से प्रति वर्ष 3000 रुपए कर के रूप में शासन को दिया जाता है, फिर भी इन्हें पेंशन भत्ता नहीं दिया जा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि महारसिया ने उस क्षेत्र में अशांति फैला दी थी। फिर एगेन्यू ने इन्हें जेल में डाल दिया और उसके बाद इनसे जमानत मांगी गई कि जब तक आप ये आश्वासन नहीं दे देते कि इसके बाद आप इस क्षेत्र में अशांति नहीं फैलाएंगे तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर जमानत महारसिया के द्वारा दे दिया जाता है और उसके बाद फिर 500 रुपए प्रति माह पेंशन भत्ते के साथ। तो ये जो मामला है ये विल्किंसन के शासनकाल में नहीं बल्कि एगेन्यू के शासनकाल में हुआ था। इसके अतिरिक्त एक और मामला है जो आपको ध्यान में रखना है, सावंत भारती का मामला। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेटमेंट, मिस्टर सैंडिस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर जारी किया था। तो हाँ, मिस्टर सैंडिस ने अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पर इंग्लिश कैलेंडर जारी किया था और उसके बाद जो माह का प्रारंभ है वो जनवरी से होने लगा था। इन्होंने अपनी राजकाज की भाषा अंग्रेजी को रखी थी और इस प्रकार से सैंडिस ने यहाँ पर शासन किया था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था। एक और स्टेटमेंट था, मिस्टर पी वोंसगेन्यू ने ब्रिटिश अधीक्षकों के मुख्यालय को रतनपुर से रायपुर शिफ्ट किया था। तो देखिए,
पीवांस अगेन्यू ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार के कार्य किए थे। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया और इसी के साथ ही ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य किए, सैन्य सुधार के कार्य किए, वहाँ पर भू संबंधी कार्य किए और लगान से संबंधी भी कार्य किए। उन्होंने जो भी अवांछित कर थे, जो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जो अवांछित कर थे, उन सभी को समाप्त कर दिया था, जिससे वहाँ के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि पीवांस अगेन्यू ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधीक्षक थे। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। कुछ इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखना है कि 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया था। इन्होंने राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था, जिसके साथ ही ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय भी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित हो गया। इन्होंने भूमि संबंधी सुधार कार्य किए थे, सैन्य संबंधी सुधार कार्य किए थे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो पिछला क्वेश्चन क्या है? पिछला क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट, विल्किंसन के शासनकाल में मार्सिया का मामला हुआ था, तो नहीं, सैंडिश ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी, तो हाँ। कॉफर्ड अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे, तो हाँ। कैप्टन अगेन्यू ने ब्रिटिश अधीक्षक के मुख्यालय को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था, तो हाँ। तो असत्य कथन को हमें चुनना है, ठीक है, ये सत्य को मार करके रखिए। तो पहला ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही असत्य कथन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, रेसिडेंट जेनकिंस ने किस ब्रिटिश अधीक्षक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? अगेन्यू, सैंडिश, एडमंड या इनमें से कोई नहीं। रेसिडेंट जेनकिंस ने कैप्टन अगेन्यू इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। पीवांस अगेन्यू का शासनकाल 1818 से लेकर 1825 ईस्वी तक था और इन्हीं के शासनकाल में 1818 ईस्वी में जेनकिंस ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और उस समय यहाँ का राजस्व लगभग 4.16 लाख हो चुका था। देखिए, ये जो राजस्व की स्थिति है ना, इसमें पीवांस अगेन्यू के शासनकाल में सुधार आई थी। अगर हम सूबेदारी प्रथा की बात करें तो सूबेदारी प्रथा में राजस्व स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। बिंबाजी भोसले के शासनकाल में यहाँ का राजस्व जो 6 लाख रुपए था, वो सूबेदारी व्यवस्था के तहत 3 लाख हो चुका था और उसके बाद पीवांस अगेन्यू के शासनकाल में यहाँ के राजस्व में फिर से सुधार आ चुकी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, निम्न जिलेदार को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 जिलेदार के नाम दिए गए हैं और आपको काल क्रम के हिसाब से इसे ग्राम काल क्रम के अनुसार इसे सुव्यवस्थित करना है। तो देखिए, ब्रिटिश अधीक्षक के बाद 1830 ईस्वी में जब रघुजी तृतीय को पुनः नागपुर की राजगद्दी सौंपी गई, तो छत्तीसगढ़ में जिलेदारों के माध्यम से शासन किया गया और छत्तीसगढ़ में 1830 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी तक, देखिए 53 में ही रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 54 ईस्वी तक यहाँ पर जिलेदार थे। तो सबसे पहले जिलेदार हुए कृष्णराव अप्पा, फिर अमृतराव, फिर सदरुद्दीन, फिर दुर्गा प्रसाद, देन इंटुकराव, देन सखाराम पापू एंड देन गोविंद राव। तो देखिए, इन जिलेदारों के बारे में आपको और कुछ नहीं जानना है, बस आप इनके कालक्रम के बारे में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जिलेदार कौन थे, अंतिम कौन थे, और बीच का एक दो भी आप याद रख लेंगे तो आपसे सवाल तो बन ही जाएगा, ठीक है। सभी जिलेदार को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जिलेदार कौन से थे? तो कृष्णराव अप्पा, उसके बाद फिर अमृत, देन सदरुद्दीन। तो यहीं से अगर हम शुरुआत के 3 भी जिलेदार हमें याद है तो हमसे ये सवाल बन जाएगा। कैसे? तो आइए देखते हैं। पहले जिलेदार कृष्णराव, फिर अमृतराव, देन सदरुद्दीन और उसके बाद फिर होंगे दुर्गा प्रसाद। 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, पंडरी कर था वस्तुओं के आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर, मादक द्रव्यों की बिक्री हेतु कर,
गैर कृषक कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मराठा कालीन कर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसे समझिएगा। तो ये जो पंडरी कर है ना, ये गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गैर कृषकों का तात्पर्य क्या है? तो ऐसे वर्ग के लोग जो व्यापार किया करते थे, जैसे कि बढ़ई, नाई, धोबी, इन सभी वर्ग के लोगों से पंडरी कर लिया जाता था, जो कि अपने आय का 10% सरकार को दिया करते थे। ठीक है, तो गैर कृषक कर क्या है? पंडरी है। वस्तुओं के आयात निर्यात से लिए जाने वाले कर को सायर कर कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, हर एक कर का अपना अपना नाम है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। CGPSC में मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सायर कर क्या होता है, या फिर आपसे ये कह दिया जाएगा कि एक तरफ करों के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित है। ठीक, मादक द्रव्यों से मादक द्रव्यों की बिक्री हेतु कर को आबकारी कर कहा जाता है, मतलब ये एक प्रकार का आबकारी कर था, जिसे कलाली कहा जाता था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एक सायर, एक कलाली, एक पंडरी, इसके अतिरिक्त सेवई कर था, जो कि दंड आदि पर लिया जाने वाला कर था। ये बहुत सारे छोटे छोटे कर का एक समूह था कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है टकोली, जो कि जमींदार सरकार को दिया करता था। ठीक है, टकोली, सायर, कलाली, पंडरी और सेवई, ये 5 करों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन से संबंधित सत्य कथन को चुनिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, परगने का सर्वोच्च अधिकारी कमामिजदार था। तो हाँ, हमने देखा कि परगने का सर्वोच्च अधिकारी कमामिजदार हुआ करता था। ये सूबेदार के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, प्रशासनिक यूनिट हम देखें तो सबसे ऊपर क्या था? राज्य, राज्य का अधिकारी सूबेदार। ठीक, उसके नीचे परगना, परगने का अधिकारी कमामिजदार, इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ये परगने का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था और इसकी सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारीगढ़ थे, जैसे कि फडणवीस, पोद्दार, फडणवीस लेखा अधिकारी था और पोद्दार खजाने में जमा होने वाली और निकलने वाली राशि का हिसाब किताब रखता था। इसके अतिरिक्त बढ़कर, जो कि सूबेदार को या फिर परगने में कमामिजदार को प्रत्येक ग्राम की सामान्य स्थिति, वहाँ की फसल की स्थिति की जानकारी दिया करता था और अन्य मामलों के बारे में भी जानकारी दिया करता था। पंडरी पांडे, ये मादक द्रव्यों से होने वाले आय का हिसाब रखता था। इसके अतिरिक्त बरार पांडे गांव का दौरा किया करता था और लगान संबंधी दस्तावेज तैयार किया करता था। ठीक है, और एक और था माल चपरासी शासकीय संपत्ति की रक्षा किया करता था। तो इस प्रकार से कमाविजदार को सहायता देने के लिए ये सभी अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। तो परगने के सर्वोच्च अधिकारी कमाविजदार, हाँ, पोद्दार, ये जो पद है ना पोद्दार, इस पद को अगेन्यू के द्वारा लाया गया था। तो हाँ, इस पद को अगेन्यू के द्वारा लाया गया था। हमने देखा था कि अगेन्यू ने प्रशासनिक सुधार के कार्य किए थे और उन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया था। बाद में एक और परगना बनाया गया था। तो ये जो पोद्दार का पद है ना, जो कि खजाने में जमा होने वाले और निकलने वाले राशि की जाँच करता था, उसके हिसाब किताब को रखता था, इस पद को अगेन्यू के द्वारा लाया गया था। पंडरी पांडे मादक द्रव्यों से होने वाले आय का हिसाब रखता था। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए वी नारायण सिंह, बी सुरेंद्र साय, सी गेंद सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है
और इनका वास्तव नाम भी नारायण सिंह है, जिन्हें अब शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत सोना खान जमींदारी के जमींदार थे और बिंजवार जनजाति के थे। ठीक है, क्या हुआ था इस विद्रोह का कारण क्या था, मैं बस इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, बहुत लंबी घटनाक्रम है, आप इतना जानिए कि इस विद्रोह का कारण क्या था। तो 1856 ईस्वी में उस समय सोना खान के क्षेत्र में सूखा पड़ गया था और अकाल के कारण वहाँ की प्रजा भूखी थी। अपनी प्रजा के भूख को मिटाने के लिए उन्होंने पास के ग्राम कसडोल के व्यापारी माखन के गोदाम से अनाज को लूट लिया था। पहले उन्होंने माखन को पहले उन्होंने आग्रह किया कि उनके गोदाम से अनाज को दे दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाद में उन्होंने अपनी प्रजा की भूख को मिटाने के लिए उस माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटा और अपनी भूखी प्रजा को बांट दिया। लेकिन उस गोदाम से उन्होंने केवल उतना ही अनाज निकाला था जितने अनाज से उनकी प्रजा की भूख मिट सके, और इसकी जानकारी उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को दे दी थी। उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट। बस यही कारण था जिसके कारण वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर वहां से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद, वीर नारायण सिंह ने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और फिर अंतिम में क्या हुआ, अगस्त 1856 ईस्वी को उन्होंने गोदाम को लूटा था और फिर दिसंबर 1857 ईस्वी को इन्हें जयस्तंभ चौक पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांति करने वाले, विद्रोह करने वाले, ये ऐसे पहले छत्तीसगढ़ के नेता थे, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कहा जाता है और इन्हें शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सूची एक 1857 का विद्रोह को सूची दो नेतृत्वकर्ता से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ विद्रोह के नाम दिए गए हैं और सूची टू में नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं, हमें इन दोनों को मैच करना है। तो सोहागपुर का विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता थे रंगाजी बापू। संबलपुर के विद्रोह, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस विद्रोह है, इसके नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय जी थे। सारंगढ़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कमल सिंह थे और उदयपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह थे। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, बी का फोर, अच्छा यहाँ पर थ्री थ्री दो बार दे दिया गया था, बी का फोर और ए का टू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, बी का यहाँ पर फोर होगा, ए का टू, बी का फोर, सी का थ्री और डी का वन। तो ये है विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता। तो इस प्रकार से सीजीपीएससी में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मराठा शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और स्पेशली सूबेदारी व्यवस्था और ब्रिटिश अधीक्षकों के शासनकाल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ से स्टेटमेंट के फॉर्म में भी सवाल पूछे जाते हैं, इनके कालक्रम को भी पूछ दिया जाता है। पहला अंतिम अधीक्षक या सूबेदार के बारे में पूछा जाता है, मराठा प्रशासन से संबंधित जो कर थे उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं। विद्रोह से संबंधित सवाल इस प्रकार से आते हैं कि आपको विद्रोह के नाम दे दिए जाएंगे और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में आपको बताना होगा। आपको घटनाक्रम के बारे में सवाल नहीं पूछा जाता कि ये विद्रोह कहाँ हुआ था, इससे संबंधित सवाल नहीं पूछा जाता। आपसे ये पूछा जाता है कि ये विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो हर एक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को आपको याद रखना है, इस प्रकार के सवाल सीजीपीएससी प्री में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका को देखेंगे। धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।